दो तरह के डर हैं जो हर इंसान के अंदर होते हैं। एक डर है जो रियलिटी पे बेस्ड है, उसको फिजिकल भी बोल सकते हो। वो डर हम सबके अंदर होना चाहिए, वो डर बुरा नहीं है, वो हमको बचाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी एक ऐसी बिल्डिंग के 10वें फ्लोर पे जाकर के एज पे खड़े हो जाओगे, जहां से कि आप अगर नीचे गिरे तो आप मर सकते हो, तो वहां पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे होगे आपको डर लगेगा। तो क्या उसका सामना करना है? क्या बिल्कुल एज पे जाकर के खड़े हो जाना है, जहां पे कि अगर हल्की सी भी गलती हो या हल्की सी भी हवा चले तो आप नीचे गिरो और मरो, ये बात करी जा रही है? नहीं। तो डर बुरा नहीं है। बहुत लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि किस तरीके से डर को हम खत्म करें। मैंने कहा, अगर डर आपके अंदर से खत्म हो गया तो आप भी खत्म हो जाओगे। जब आप एक रेड लाइट जंप करने वाले होते हो और सामने कोई पुलिस वाला नहीं होता है, तो आपको यह डर नहीं होता है कि कोई पुलिस वाला पकड़ लेगा। आपको यह डर होता है, आप चारों तरफ देखते हो कि कहीं कोई बस तो नहीं आ रही फुल स्पीड में, तो आपके अंदर एक डर है कि कहीं मैं मर ना जाऊं। तो एक है जो रियलिटी पे बेस्ड है। तो उसकी बात यहां पर नहीं हो रही है कि उस पर हमला कर दो। यहां पर किसकी बात हो रही है? साइकोलॉजिकल फियर्स। आपकी अपनी कुछ इमेजिनेशंस हैं, उससे आप डर रहे हो। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, 90% जो फियर्स हमारे अंदर होते हैं वो साइकोलॉजिकल होते हैं। माइंड अपने आप ही एक किसी भी सिचुएशन की वर्स्ट साइड को देख लेता है या वर्स्ट सिचुएशन को इमेजिन करने लग जाता है और खुद ही उससे डरने लग जाता है। आजकल इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि आपको कोई भी बीमारी हो, छोटी से छोटी भी, आप गूगल पे जाकर के सर्च करो, वो बीमारी खत्म होगी जाकर के कैंसर पे, तो अब आप डर रहे हो कि कहीं मुझे कैंसर तो नहीं है। अब इस डर का क्या इलाज है? कि बैठे बैठे डरते मत रहो, जा करके अपना टेस्ट करा लो। तो बहुत सारे हमारे डर ऐसे होते हैं जो साइकोलॉजिकल होते हैं, उससे नहीं डरना है, उसकी बात करी जा रही है कि अगर उस तरह का कोई डर लगे तो उस पर हमला कर दो। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपनी क्लास में, आप किसी स्कूल में हो या कॉलेज में हो, एक प्रेजेंटेशन देनी है और उससे आपको डर लग रहा है, तो आपके अंदर से क्या आएगा? जब आप डरते चले जाओगे, चल यार जिस दिन मेरी प्रेजेंटेशन है उस दिन छुट्टी मार लेता हूं, छोड़ना कौन जाएगा। तो ये कहा जा रहा है कि ये हरकत मत करो, क्योंकि ये डर आपका साइकोलॉजिकल है, ये किसी रियलिटी पे बेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी प्रेजेंटेशन में थोड़ी सी गलती आपसे हो गई तो आपको मार दिया जाएगा या आपको स्कूल या कॉलेज से बाहर निकाल देंगे। तो आपका जो डर है वो साइकोलॉजिकल है। और एक बार अगर डर गए, एक बार कोई भी साइकोलॉजिकल डर आपके अंदर आ गया, तो वो डर धीरे 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 बढ़ने लग जाता है। फिर वो डर एक सिचुएशन तक नहीं रहता है, आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट पे वो रिफ्लेक्ट होने लग जाता है। लेकिन अगर उसी वक्त आप उसका सामना कर लो और उसको वहीं पे खत्म कर दो, तो हमेशा के लिए वो डर आपके अंदर से गया। तो डर का क्या इलाज है? एक्शन, इमीडिएट एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपके अंदर पानी का डर है, डूबने का डर है, तो शुरुआत करो ना कम गहरे पानी से। गहरे पानी से दूर रहो, कोई बात नहीं, बट उसको फेस करो। अगर नहीं आती है स्विमिंग और पानी का इतना ही डर है, तो तैरना सीख जाओ। इससे क्या होगा? आप सिर्फ तैरना नहीं सीखोगे, आपको लग रहा है आपको सिर्फ पानी में तैरना आ रहा है, अरे ना भाई, आपको जिंदगी में तैरना आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से आपने यहां पर अपने डर को कॉन्कर किया, फ्यूचर में भी अगर कोई सिचुएशन आएगी तो आपको पता होगा कि अपने डर को कॉन्कर कैसे करना है। यानी कि अगर कोई भी किसी भी तरह का साइकोलॉजिकल डर आपके अंदर आए, तो छोटे से छोटा स्टेप उठाओ और उस डर को वहीं पे जड़ से खत्म कर दो और धीरे धीरे उस स्टेप को बड़ा करते चले जाओ। तब तक बड़ा करते चले जाओ जब तक कि वो जो आपका एक्शन है वो उस डर से बहुत बड़ा ना हो।